नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कुवैत से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, कुवैत से फ्लाइटें आपको पता है स्टार्ट हो चुकी हैं, लगभग फ्लाइटें आ रही हैं इंडिया के लिए। जी हाँ साथियों, एवरेज है कि 1000 इंडियन पीपल्स जो वहाँ पे कुवैत में फंसे हुए थे वो इंडिया आने स्टार्ट हो चुके हैं। फ्लाइट का शेड्यूल मेरे पास जो आया आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बता दूं 25 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक, जी हाँ साथियों, 5-6 दिन में लगभग 38-40 फ्लाइटों का शेड्यूल है। स्क्रीन पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप टिकट बुक करें, कहीं से भी टिकट बुक कर सकते हैं, एम्बेसी का कोई झंझट नहीं है। ठीक है, टिकट बुक कोई भी अथोराइज एजेंट से टिकट बुक करके आप इंडिया आ सकते हैं। आप स्क्रीन पे देखते रहिए, पूरा शेड्यूल आपका फ्लाइट से रिलेटेड बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। बता दूं साथियों, 25 अगस्त को, जी हां साथियों, 25 अगस्त को भाई हैदराबाद के लिए फ्लाइट है, 26 अगस्त को जयपुर के लिए फ्लाइट है, 26 अगस्त को फिर भुवनेश्वर के लिए फ्लाइट है, 26 अगस्त को फिर लखनऊ यूपी के लिए फ्लाइट है, 26 अगस्त को फिर चेन्नई के लिए फ्लाइट है, 26 अगस्त को फिर बॉम्बे के लिए फ्लाइट है साथियों, 26 अगस्त को फिर एक हैदराबाद के लिए फिर फ्लाइट है, 26 अगस्त को फिर बेंगलुरु के लिए फ्लाइट है, 27 अगस्त को कोचिकोड़े, 27 अगस्त को फिर न्यू दिल्ली के लिए फ्लाइट है, 27 अगस्त को चेन्नई के लिए, 27 अगस्त न्यू दिल्ली के लिए फ्लाइट है, 27 अगस्त फिर बॉम्बे के लिए फ्लाइट है, 27 अगस्त को फिर कुवैत से चेन्नई के लिए फ्लाइट है, 28 अगस्त को बता दूं कुवैत से कोची के लिए फ्लाइट है। जी हां साथियों, 28 अगस्त को कुवैत से चेन्नई के लिए फ्लाइट है, 28 अगस्त को फिर एक फ्लाइट है बेंगलुरु के लिए, 28 अगस्त को फिर फ्लाइट है साथियों बता दूं चेन्नई के लिए, 29 अगस्त को फिर एक फ्लाइट है बॉम्बे के लिए। जी हां, 29 अगस्त को फिर एक फ्लाइट है भाई राजस्थान जयपुर वालों के लिए, देख लीजिए 29 अगस्त की फ्लाइट है जयपुर के लिए, 29 अगस्त की फ्लाइट है लखनऊ यूपी के लिए। जी हां, 29 अगस्त की फिर एक फ्लाइट है साथियों कुवैत कोलकाता के लिए, 29 अगस्त की फिर कुवैत से बम्बई के लिए फ्लाइट है, 29 अगस्त की फिर कुवैत से हैदराबाद के लिए फ्लाइट है, 30 अगस्त को फिर कुवैत से त्रिवेंद्रम के लिए फ्लाइट है, 31 अगस्त को कुवैत से लखनऊ के लिए फ्लाइट है, 30 अगस्त को साथियों कुवैत से कोची के लिए फ्लाइट है, 30 अगस्त को फिर कुवैत से चेन्नई के लिए फ्लाइट है, 30 अगस्त को कुवैत से बेंगलुरु के लिए फ्लाइट है, 30 अगस्त को कुवैत से चेन्नई के लिए फ्लाइट है, 31 अगस्त को कुवैत से कोचिकोड़े के लिए फ्लाइट है। जी हाँ, 31 अगस्त को कुवैत से कोची के लिए फ्लाइट है, 31 अगस्त को कुवैत से लखनऊ के लिए फिर फ्लाइट है, 31 अगस्त को दिल्ली के लिए फ्लाइट है साथियों बता दूं, 31 अगस्त को चेन्नई के लिए फ्लाइट है। कई फ्लाइटें हैं इनमें से बता दूं, जयपुर के लिए भी हैं लगभग 2 फ्लाइटें जयपुर के लिए हैं, दिल्ली के लिए कितनी फ्लाइटें हैं लगभग 4 फ्लाइटें दिल्ली के लिए हैं, यूपी के लिए भी 3 से 4 फ्लाइटें हैं, बाकी तो भैया यही है कोचिकोड़े उधर ही फ्लाइटें हैं, अहमदाबाद या फिर पंजाब और कोई फ्लाइटें हैं नहीं, दिल्ली को सेंट्रल कर दिया उसमें पंजाब के लोग भी आएंगे, बाकी कितने लोग पहुंचेंगे वो तो आपको सबको पता ही है। बाकी बस ये फ्लाइट से रिलेटेड शेड्यूल था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आगे जैसे कोई अपडेट कुवैत से रिलेटेड आती है मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहे। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।